10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. क्वेश्चन नंबर 17 देखें। मिस्टर रमन इज अ को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर्स। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड। कहीं कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो भाई हैं। द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ज्वाइंटली टेकन एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ₹25,000 आउट ऑफ विच ₹21,000 हैज बीन पेड। छूट कितनी मिलेगी, 25,000 या 21,000? ₹25,000 का इंटरेस्ट बना जिसमें से 21,000 मैंने पेमेंट किया है बैंक को, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन हमें 25,000 मिलेगी। काहे से 21? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पर अलाउड होता है, मैंने साफ साफ लिखवाया था, और जब मैंने फॉर्मेट दिया था तो उस समय भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बेसिस पर होता है अलाउड। क्या बात कर रहे हो, ड्यू हो गया छूट ले सकते हो। चले आगे। तो 21,000 हमारे लिए इररेलीवेंट है, 25,000 रेलिवेंट है। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट इज 450, और मैंने इसकी पहले ही दिन थ्योरी बता दी थी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, बताया था ना। टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑफ ₹5,000। अच्छा, एक लोन को पेमेंट करने के चक्कर में दूसरा लोन ले लिया, उस पर भी ₹5,000 का इंटरेस्ट लग गया, तो 25,000 हुआ और 5,000 ये, टोटल मिलाकर कितना इंटरेस्ट? कितना? 30,000। मैंने कहा था अगर पुराना लोन चुकाने के लिए आपने नया लोन लिया हो तो उसका भी इंटरेस्ट अलाउड होता है, ये मैंने बताया था। 30,000 कह रहा था हो जाएगा सर घर पे, कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती। म्यूनिसिपल टैक्सेस 5,100 पेड बाय द टेनेंट, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आराम से हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। हाँ बताएं, जीएवी 160 और 150 में 160, 160 और 170 में 160 और 150 में 160, 160 और 170 में 160, 160,000 ये ले लो और 180 एक्चुअल रेंट है, किसको ले लें? 1,00,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स निल, क्योंकि टेनेंट ने पे किया है। बोलो, ये हमारा एनएवी हो जाएगा कितना? माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन 54,000, माइनस कर लो इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 प्लस 5,000, टोटल कितना? 96,000 आ गया। कहाँ है 5,100? वो म्यूनिसिपल टैक्स है। देखो इधर, अब इसको कितने लोगों में बांट दें? रमन, मिस्टर रमन एंड मिस्टर रमन्स ब्रदर, दिस इज योर आंसर। मिस्टर रमन के हाथ में ₹48,000 की इनकम पर टैक्स लगेगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और मिस्टर रमन ब्रदर के हाथ में चला जाएगा ₹48,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में।
क्वेश्चन नंबर 18 देखें, लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेज रोहिणी रवि अ सिटीजन ऑफ द यूएसए इज अ आर ओ आर इन इंडिया, अंडरलाइन कर लें आर ओ आर, और मैंने तुम लोग को बताया था आर ओ आर की वर्ल्ड वाइड इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, कहीं भी कमाए हो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15 She owns a house property at Los Angeles, USA, which is used as her residence. The annual value of the house is 20,000. जरा देखो, US में जो घर है वो है $20,000 पर एनम, उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है। कोई दिक्कत है क्या? The value of one USD dollar may be taken at ₹45. एक डॉलर की कीमत तुम क्या जानो, मालूम है 45। She took ownership and possession of a flat in Chennai on 1st July 2014. इसको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज करती थी। एक घर उसने इंडिया में लिया है चेन्नई में, बोलो ना, और इसका भी यूज देखते हैं क्या करती है। She took ownership and possession of a flat on 1st July 2014 से, कब से? अच्छा, विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी घर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी लेट आउट, ना तो वहां यूएस वाला उठाया है ना तो इंडिया वाला। द फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर 7 मंथ ओनली, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2015 द म्युनिसिपल वैल्यूएशन 32,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यू इसकी थी 32,000 पर मंथ और फेयर रेंट थी 4,20,000 पर एनम। शी पेड द फॉलोइंग ऑन कॉर्पोरेशंस ऑफ चेन्नई, टैक्स कितना है म्यूनिसिपल टैक्स दोनों जोड़ दो 18,000, सिवरेज टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, पक्की बात है ना। शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फॉर परचेसिंग दिस फ्लैट, इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज एज अंडर 1/4/2013 के पहले, 1/4/2013 के बाद, ठीक है, दिया हुआ है। शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर ऑल्सो, एक और घर है इंडिया में ही है ना, अच्छा बैंगलोर में। विच वॉज सोल्ड इन March 2012 इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्स एरियर ऑफ रेंट 60,000 March 2014। अब ये घर घर नहीं है मेरे पास, 2012 में ही मैंने इस घर को बेच दिया था, बेच तो दिया था लेकिन वहां वो एक किरायेदार रहता था और वो किराया लेकर भाग गया था, हमने दौड़ाया पीछा किया और उससे 60,000 मैंने इस साल ले लिया March 2015 को, लिख लो March 2015 एरियर ऑफ रेंट मिला है कितना March 2015 शायद लिखा है, कितना रुपया 60,000, जिस पर कोई पहले टैक्स नहीं लगा है, क्लियर है, यानी अनरियलाइज रेंट की छूट मिल गई थी हमें, यही तो मतलब हुआ। अच्छा अब करें इस क्वेश्चन को, कोई और इंफॉर्मेशन है क्या नीचे, नहीं देख लेते हैं एक बार, हो गया। हमें बस इस क्वेश्चन में यह चुनना है कि इस घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने या इस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, एक घर को हमें डीएलओ मानना पड़ेगा, इसकी तो कोई इश्यू है ही नहीं थर्ड वाले घर का बैंगलोर का, क्योंकि वो घर अब है ही नहीं मेरे पास, तो उसका कैलकुलेशन तो होना नहीं है। बस एक छोटी सी चीज कि एरिया ऑफ रेंट भले ही वो घर मेरे पास आज है हो या ना हो, लेकिन अगर हमको कोई एरियर ऑफ रेंट रिसीव होता है तो वो 100% टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, चाहे घर मेरे पास हो या ना हो। अगर हमें एरियर ऑफ रेंट मिलता है ऐसे घर का जो अब घर मेरे पास नहीं है, उसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है, बावजूद इसके अगर मुझे एरियर ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट रिकवर होता है तो वो किस हेड में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में, क्लियर। तो हमें तो तीन घरों की बात ही नहीं करनी, हमें केवल दो घरों की बात करनी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डीम्ड लेट आउट,
बोलो। दो घर हैं हमारे पास, यूएस और इंडिया। यूएस का घर पहले हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेंगे, मान लेंगे, उसके बाद हम उसको डीएलओ मान कर चलेंगे। इंडिया के घर को पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, फिर डीएलओ मानेंगे। नहीं मन मानता है सर तो थोड़ा ऐसे कर दीजिए, इधर लिख दो डीएलओ, इधर लिख दो। यूएस के घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, इंडिया के घर को डीएलओ मानेंगे। यूएस के घर को डीएलओ मानेंगे और इंडिया के घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, तब भी ठीक है, टोटल आ जाएगा यहीं पर। चलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू $20,000 इंटू 45, 9 लाख। बोलो ना, 9 लाख। ये नील क्या रेंट पर उठाया था घर को? नहीं, यही आ गया, फेयर रेंट दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं, तो जीएवी इज म्युनिसिपल वैल्यू। माइनस कर दो म्युनिसिपल, कितना दिया है? कुछ भी नहीं, इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ये आ जाएगा एनएवी कितना, और ये कितना आ जाएगा माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, कितना आ जाएगा? कितने तेज हो तुम लोग, तुरंत बता दिए 270, आज कैलकुलेटर भी नहीं यूज किया होगा। माइनस इंटरेस्ट ऑन, क्या कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं है। 6,30,000, ये हो गया ए। यूएस के घर को पहले मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो ये आंसर आया, यूएस के घर को मैंने डीएलओ माना तो ये आंसर आया। अब बात करेंगे किस घर की, इंडिया। पहले क्या मानेंगे इसको, सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर देखते हैं डीएलओ में क्या पोजीशन बनती है। बोलो, जीएवी की बात करते हैं। 32,000 इंटू 12, 384, तो 384 और 420, एक्चुअल रेंट तो है नहीं, किराए पर उसने उठाया नहीं है। बोलो, तो यहां हो जाएगा नील और यहां हो जाएगा कितना, 420। क्या कोई अनरियलाइज रेंट है? नहीं है, डीएलओ है, वैकेंट है, एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं, 4,20,000। देख लेना कैलकुलेशन, 420 आ रहा है कि नहीं। माइनस म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया है, इसमें तो नील होगा, लेकिन अगर वही डीएलओ मान लिया जाए तो 18,000 की छूट मिल जाएगी। एनएवी 4,02,000 माइनस डिडक्शन स्टैंडर्ड कितने परसेंट, 1,20,600 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्या, कहाँ दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है? इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज एज अंडर 1/4/2013 के पहले 49,200 और 1/4/2013 से 30 जून और 1 जुलाई से जब वो मकान में रहने लगी 7 महीने के लिए, तो बोलो उसको आप चेंज कर दें, डेटा चेंज कर दें,
पीरियड प्रायर टू 1 अप्रैल 2014 टू 30 जून 2014 एंड 1 जुलाई 2014 टू 31 मार्च 2015। क्लियर है? चलो, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, देखो इधर, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना है टोटल बताओ, 1,31,300 और 50,800 जोड़कर बताओ, 1,82,100, 182,100 बोलो ना, प्लस 1/5 है किसका, 49,200 का, 9,000, बताओ कितना आया, 11 है। 2 लाख की छूट मिल सकती है ना, बोलते क्यों नहीं, 2 लाख की छूट मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। 1,499 के बाद लोन है, 3 साल के अंदर, कोई डिटेल तो दी नहीं है तो मान लेंगे 3 साल के अंदर उसने कंप्लीट कर लिया और काम हो गया। अगर ये DLO होता तो कितनी छूट मिलती, तो भी पूरी की पूरी छूट मिलती। बोलो बोलो भाई, कितना आया, 191,940 और इधर 460 प्लस में। अब देखो, अगर हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो इसको DLO मानना पड़ेगा। बोलो नहीं, ऑप्शन वन, US हाउस क्या मान ले, सेल्फ ऑक्यूपाइड, आंसर कितना आएगा, बैंगलोर चेन्नई हाउस क्या मानोगे, अगर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड तो इसको कितना, 89,460 प्लस एरिया ऑफ रेंट कितना, 60,000। चलो टोटल बताओ, 49,460, ये हो गया पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर टू की बात करेंगे, US हाउस क्या मानोगे, DLO कितना है, 6,30,000 और चेन्नई हाउस 91,940 लॉस, ये हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड और एरिया ऑफ रेंट 60,000, कितना आया टोटल, 498,060। बताओ कहाँ जाना चाहेंगे आप, बट ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर वन में, टू में टैक्स देने ज्यादा देने का मन कर रहा है, कौन बोला है टू, नहीं जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपके ऊपर है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऑप्शन वन इज वाइबल। मिनिमम टैक्स लायबिलिटी,
चलें। क्वेश्चन नंबर 22। सर ये क्यों आपने पिक किया? ये भी असल में डॉलर का ही लोचा था, तो क्यों ना डॉलर डॉलर खत्म ही कर दिया जाए सब। क्यों देखें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। मिसेज इंदू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ओन्स अ हाउस इन यूएसए, शी रिसीव्स रेंट। यूएसए में एक घर है और उसको रेंट मिलता है $2,000 पर मंथ। शी पेड म्यूनिसिपल टैक्स, एमटी पेड किया उसने $1,500 ड्यूरिंग द ईयर, हाँ है ना। शी ऑल्सो ओन्स अ टू स्टोरीड हाउस इन मुंबई, मुंबई में भी उसके पास घर है। ग्राउंड फ्लोर ऐसे है, ये घर जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वो ओन रेजिडेंस के लिए है। फर्स्ट फ्लोर रेंट पर उठा हुआ है $10,000 पर मंथ के हिसाब से, बोलो। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ द हाउस 7,500। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, दोनों का होगा। मिसेज इंदू हैड कंस्ट्रक्टेड द हाउस बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ नेशनलाइज बैंक। लोन कब लिया था, 20 जून 2009, यानी 1 अप्रैल 2009 के बाद। शी रीपेड द लोन $54,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बना, 24,000, और $1 की कीमत ₹45। बस ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें, सिंपल लग रहा होगा। प्रॉब्लम वही है, इस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने या इस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने। यूएसए हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो या फिर डीएलओ मानो, बोलो ना। चल, ग्रॉस एनुअल वैल्यू $24,000 इंटू 45, 92,80, 91,80, 10,00,000, 80,000 इसमें आ जाएगा, बोलो। और इसमें क्या होगा, नील। म्यूनिसिपल टैक्स $1,500 ₹45 के हिसाब से कितना, ये एनएवी हो गया, तो 10,12,500 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। ₹3,00,000, इंटरेस्ट ऑन लोन तो है नहीं, कितना आ गया, ₹7,08,000, 750। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बोल सकते हो, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है। हाउस नंबर 2 ले लेते हैं, मुंबई ग्राउंड फ्लोर। जीएवी कितना लोगे, देखो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना था नहीं मालूम, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है कुछ, देखो क्वेश्चन में
होगा। है या नहीं? तो फेयर रेंट कोई ले लेंगे जो मिल सकता है, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो निल, अगर किराए पर उठाते वही चीज तो हमें 1,20,000 रुपये मिलता। बोलो, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स निल, और इसमें 7,500 को दो पार्ट में बांट दो, 3,750। NAV 1,16,250 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 29,000, 34,875 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000 को दो पार्ट में बांट दो। बोलो ना, लिमिट के अंदर है। बताओ, $69,375। एक और घर है ना, मुंबई का फर्स्ट फ्लोर, और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो लेट आउट है। भाई हमको तीन ऑप्शंस मिले ना, क्यों? जीएवी की बात करो, 1,20,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स 3,750 सेम आएगा, एनएवी 1,16,250 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 34,875। बोलो ना, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन दैट कम्स टू 12,000। नाउ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्चुअल लेट आउट 69,375। अब हम ऑप्शंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑप्शन वन, इसको अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो ये डीएलओ और ये लेट आउट तो है ही। यूएस हाउस क्या माने? सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस मुंबई ग्राउंड फ्लोर, मुंबई ग्राउंड फ्लोर, अगर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने हो तो इसको डीएलओ मानना ही पड़ेगा, 69,375 ये डीएलओ, और फर्स्ट फ्लोर ये लेट आउट है 69,375। बताओ कितना आया? वन लैख 750। ऑप्शन नंबर टू देख लेते हैं। बोलो, लास्ट ऑप्शन है ना, यूएस हाउस को मान लेते हैं हम लोग डीएलओ, और अगर यूएस हाउस को डीएलओ मानोगे तो आएगा 7,08,750। ऐसे ही दिख रहा है कि इसको ना कर दो, लेकिन तब तक ना नहीं करेंगे जब तक हम पूरा टोटल ना कर लें। मुंबई का ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड निल कि 12,000, 12,000 का लॉस। फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है 69,375, टोटल बताएं 7,00,000, हाँ 125। कहाँ जाना चाहेंगे आप, क्यों फर्स्ट में जाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ टैक्स लायबिलिटी कम है।
लोअर टैक्स लायबिलिटी, एक काम करें ना बाबू, जहां क्वेश्चन में पढ़ता हूं फिर से, मिस्टर मिसेज इंदू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ओन्स अ हाउस इन यूएसए, शी कैन रिसीव रेंट रुपीज, शी कैन रिसीव रेंट $2,000, शी कैन, मैंने उस समय बोला था शी कैन, हाँ शी कैन कर दे, ठीक है। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया है, हम चाहते तो उसको शी रिसीव करके सीधे सीधे इसको लेट आउट ले लेते, एक्चुअल में आपका आ गया 7,08,750, बात खत्म, आपका आंसर तब आ जाएगा 7,66,000, तब तो सोचना ही नहीं है। हमने इस क्वेश्चन को टफ बनाया ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो सके। शी कैन रिसीव, She can receive. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 इजी है, घर पे आप लोग खुद करेंगे। बोलें मैं क्वेश्चन नंबर 21 करा देता हूँ, इसमें एक नया कंसेप्ट आएगा तुम लोग को सीखने के लिए, बाकी आप लोग होमवर्क रखेंगे। देखें, मिस्टर एक्स ओन्स वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई, और जो मुंबई में घर है वो दो पार्ट में बंटा हुआ है, दो आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, वन एंड टू। फर्स्ट यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरी वाली 8,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पर है। ये 2 महीना वैकेंट थी, कितने महीने? 2 महीने। डिटेल्स दी है स्टैंडर्ड रेंट, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा लेट आउट, बोलो ना। स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, लाइट एंड वाटर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है 95,000 दोनों का, 190 है ना। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 81,000,
बोलो ना, 1,62 को आधा आधा कर लो। फेयर रेंट दिया हुआ है 92,500 और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 8,000 पर मंथ के हिसाब से। वैकेंट है 2 महीने का, तो 10 महीने का कितना होगा? 80,000 मान लेते हैं। मानना क्या है? है ही 80,000 ही मिला है, वैकेंसी है 2 महीने की। बोलो ना, आ जाओ। अब बताओ जरा जीएवी कितना कितना लोगे? पहले का तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का 95,000 एंड 92,500, 95 एंड 81, 81 एंड 80। क्या ये वैकेंसी के कारण कम है? अगर वैकेंसी नहीं होती तो 16,000 और मिलता और ये बढ़ जाता, तो हम इसको लेते, तो अभी भी हम इसी को लेंगे 80,000। बोलो, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी? 190, और म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? 15%, 13,500, 28,500। तो आधा इसका और आधा इसका आ जाएगा नील, और इसका हो जाएगा 14,250। पक्की बात है ना? ये आ जाएगा NAV। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 30%। बताओ, 19,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्या? कितना? 1,500 पर मंथ, 18,000 को दोनों में आधा आधा बांट दो। बोलो ना, लाइट एंड वाटर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई या लीज मनी, इंश्योरेंस एंड रिपेयर से कोई लेना देना नहीं है। बताओ कितना आया? 37। ये यार है, नोट करें तो हम नई चीज बताएं, नया कुछ नहीं था, हमें लगा कि नया है तो नोट तो कर लो। चलिए, पेशेंस है ना थोड़ा और? अच्छा, अभी बहुत है, जाते जाते ख़त्म हो जाएगा जो हम लोग का अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पेशेंस रखेंगे, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए।
इसको हम कहते हैं कंपोजिट रेंट। संयुक्त किराया। कभी कभी मकान मालिक अपने किराएदार को कहता है कि हम तुमसे रेंट जो ले रहे हैं ना, उसमें वाटर चार्जेस भी शामिल हैं, उसमें लिफ्ट चार्जेस भी शामिल हैं, उसमें मेंटेनेंस चार्जेस भी शामिल हैं, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट भी शामिल है। यानी जो हम आपसे किराया ले रहे हैं, केवल घर का किराया नहीं ले रहे हैं, कुछ और किराए भी ले रहे हैं। नॉर्मली ये किराए सोसाइटी में चार्ज किए जाते हैं, जहाँ पर 25-50 घर अलॉटेड होते हैं किसी सोसाइटी में, 100 घर 200 घर, वहाँ हर एक किराएदार से इस तरह से वसूला जाता है। बात समझ में आई? अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, पहला। दूसरा कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम अपने किराएदार को मकान तो दे रहे हैं, लेकिन वो मकान बेसिकली मकान की तरह डिजाइन नहीं है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी लगी हुई है। या तो किराएदार हमको कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी लगा करके लो, हमको प्लांट एंड मशीनरी लगा करके दो इस बिल्डिंग में, तो हम लेंगे घर किराए पर। मैंने उसको उस बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी भी जोड़ा और उसको किराए पर दे दिया, मुझे किराया मिला। लेकिन अब मुझे किराया केवल घर का नहीं मिला, प्लांट एंड मशीनरी का भी किराया मिला। या तो घर इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि बिना प्लांट एंड मशीनरी के उठ ही नहीं सकता। दो चीज़ें हो सकती हैं, मेरा घर है, हाउस है, प्रॉपर्टी है, प्रीमाइसेस है, उस प्रीमाइसेस को मैं ऐसे ही लेट आउट कर सकता हूँ, रहने के लिए चाहिए ले सकते हो। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी लगा कर चाहिए, लो लगा दिया। यानी घर इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि हम उसको प्लांट एंड मशीनरी के साथ भी दे सकते हैं और बिना प्लांट मशीनरी के साथ भी दे सकते हैं। दूसरा, घर इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि हम उसको बिना प्लांट एंड मशीनरी के किराए पर उठा ही नहीं सकते। हो सकता है इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तीन चीजें मैंने बताई। पहला, घर मैंने किराए पर दिया और किराएदार से, जिसको मैंने रहने के लिए दिया है, किस लिए लिया है, रहने के लिए, उस पर मैंने लिफ्ट चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेयर्स चार्जेस, फलाना चार्जेस, धमाका चार्जेस ले लिया, उसको हम कहेंगे कंपोजिट रेंट। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? दूसरा, मेरे पास घर है, उस पर प्लांट एंड मशीनरी लगा करके मैंने किराए पर उठी हुई दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी लगाना मजबूरी है या बिना प्लांट एंड मशीनरी लगा करके भी घर किराए पर उठा सकते हैं? अब ये दो केस हो गए। अब क्लियर है? जरा देखा जाए, कंपोजिट रेंट को हम दो पार्ट में देखेंगे। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ अदर्स, अदर थिंग्स। अगर सेपरेबल है, मैंने क्या लिखा है, इफ सेपरेबल, अलग अलग किया जा सकता है, तो रेंट ऑफ एचपी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, बोलो ना, और रेंट ऑफ अदर्स या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, अगर मेरा बिजनेस ही है तो पीजीबीपी में जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, अगर सेपरेबल है तो। क्लियर है? यानी तब हाउस प्रॉपर्टी में हम केवल इतना ही ले आएंगे, बाकी सब हम पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में। अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेज में, बिजनेस है किराए पर उठाना सामान को तो पीजीबीपी में। हमें नहीं लगता है इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत होगी। इफ सेपरेबल, इफ नॉट सेपरेबल, ओके, ये क्या हो गया?
आप इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। बोलो भाई। चले लिखना मत अभी साथ में, अभी हम फिर मिटा करके फिर आगे वो जोड़ेंगे इसमें। सेपरेबल नहीं किया जा सकता। मकान का किराया था 1 लाख और बाकी सामानों का किराया था 20,000, मान लेते हैं टोटल किराया कितना था, लेकिन हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। या हो सकता है 20,000 मकान का किराया था और 1 लाख सामानों का किराया था, टोटल मिलाकर 1,20,000, लेकिन हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब 1,20,000 है, उसमें तुम लोग को दिख रहा है घर छोटा है और सामान ज़्यादा है, सामान कम है घर ज़्यादा बड़ा है। तुम लोग को देखने से लग रहा है किराया ज़्यादा होगा सामान का किराया कम होगा, देखने से लग रहा है घर का किराया ज़्यादा होगा और सामान का कम होगा, उल्टा भी लग सकता है। बताओ कहाँ टैक्स लगाओगे अगर सेपरेबल नहीं है तो? कहाँ टैक्सेबल करोगे? हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में या अदर सोर्सेस में? अगर बिजनेस है उसका तो पीजीबीपी में, इफ नॉट अ बिजनेस तो अदर सोर्सेस में। हाउस प्रॉपर्टी का तो मैटर आया ही नहीं क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में केवल और केवल किराए की ही बात होती है, अदर चीज की बात नहीं होती। और यहां पर सेपरेबल नहीं है जिसके कारण मजबूरी में हमको यहां तो पीजीबीपी में ले जाना पड़ेगा या तो अदर सोर्सेज में। भले ही तुमको लगे कि 1,00,000 रुपए का किराया हो सकता है मकान का हो और 20,000 बाकी सामानों का, बावजूद इसके तुमको पूरा 1,20,000 या तो यहां ले जाना है या तो अदर सोर्सेज में। अभी खत्म नहीं हुई प्रॉब्लम, अभी हम पूरा मिटाने जा रहे हैं, फिर से लिखने जा रहे हैं और उसके बाद देखो कितना मजा आता है। चले चल सकते हैं। चलो सर जी, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन एक नई समस्या क्रिएट होती है। इफ सेपरेबल, इफ नॉट सेपरेबल, इसकी समस्या हमने यही खत्म कर दी जो मैंने अभी अभी बताई। क्या अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल करो, सिंपल। और अगर बिजनेस नहीं है, देखो ना कितना आसानी से ये खत्म हो गया हम लोग का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये हिसाब किताब हम लोग का खत्म। अब इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। प्रॉब्लम यहां आ गई सर। अब कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई इसमें? ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों से 1 हफ्ते बाद पूछूंगा तो भी गलत जवाब मिलेगा, एग्जाम के 10 दिन पहले पूछेंगे तो भी गलत जवाब मिलेगा, और एग्जाम को दे करके बाहर आओगे तो भी शायद तुम लोग गलत ही जवाब दो। अब एग्जाम में क्या करके आते हो तो तुम्हारे ऊपर है, वो मैं कैसे बोलूं। सोचो ये पॉइंट क्या है। अब चले आगे थोड़ा। इफ सेपरेबल, House is structured in such a way that it can be let out independently from the other things, yeah, along the other things. From the other things. घर को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है
कि मशीनों को लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। बोलो, पक्की बात है? नॉट सेपरेबल है तो वहीं जाएगा, सोचना ही नहीं। सेपरेबल है और अलग करके कर सकते हैं, घर को अलग किराए पर उठा सकते हैं और सामानों को अलग किराए पर उठा सकते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन हाउस इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी लेट आउट विदाउट लेटिंग आउट द अदर थिंग्स विद द हाउस। घर को इस तरह से बनाया गया है कि हमको उसमें मशीनें लगानी ही लगानी है, हम उनको अलग से नहीं दे सकते। घर किराए पर उठेगा तो बिना मशीनों के किराए पर नहीं उठेगा। बोलने दो, मुझे मालूम है कि मेरे पास जो घर है उसमें मशीनें लगी हुई हैं। मैं सामने वाले से बोलता हूं कि देख, 1,00,000 रुपए मैं घर का ले रहा हूं और 2,00,000 रुपए मशीनों का ले रहा हूं, सेपरेबल है ना? लेकिन वो घर बिना उन मशीनों के बेकार है। भले ही सेपरेबल है लेकिन घर बेकार हो गया तो बेटा, अगर बिजनेस है मेरा तो पीजीबीपी में, और अगर नॉट अ बिजनेस है तो अदर सोर्सेज में। घर अलग से दे सकते हो और सामान अलग से दे सकते हो, घर का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि घर अलग और बाकी चीजें अलग, तो कोई दिक्कत नहीं। किराया यहां भी अलग हो सकता है, किराया यहां भी अलग हो सकता है, लेकिन अलग होने के बावजूद मेरी मजबूरी है कि उसको पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में ले जाएं, क्योंकि घर को तभी हम किराए पर उठा सकते हैं जबकि साथ में सामान जाए, बिना उसके हम घर को किराए पर उठा नहीं सकते। अब क्लियर हुआ? भले ही रेंट सेपरेबल हो, बावजूद इसके सेपरेबल होने के बावजूद हम पूरा का पूरा पीजीबीपी और अदर सोर्सेज में ले जा रहे हैं। देखो ना कितनी बड़ी त्रासदी है। और इसमें क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में और अदर्स का अगर बिजनेस हो तो पीजीबीपी में, अदरवाइज इनकम फ्रॉम। अब मुझे लगता है तुम लोगों का कंसेप्ट अब सही है ना? इस चार्ट को बना लेंगे, नहीं तो आप लोग बहुत पछताएंगे। स्पीड ले बाबू, थोड़ी स्पीड लाए। सर जी एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दीजिए।
समझ में आया ना? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन कंपोजिट रेंट. आपको असाइनमेंट नहीं दिया गया है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंप्लीट क्वेश्चन की डिटेल तो नोट कर ही देता हूँ, ठीक है ना? आप लोग भी समरी साथ साथ बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 23 है. ढंग से सुनेंगे, मैं केवल यहाँ समरी बनाऊंगा, क्वेश्चन ढंग से सुनते जाएंगे. मिस्टर कालिदास इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी. द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 3 लाख. इट हैज बीन लेट आउट फॉर रुपीज 4,40,000 एक्चुअल रेंट. द लोकल टैक्सेस पेड बाय द ओनर अमाउंटेड टू रुपीज 30,000 बट एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड दैट द टेनेंट पेड द डायरेक्ट टू द म्युनिसिपैलिटी. यानी म्युनिसिपल टैक्स 30,000 पेड बाय टेनेंट. बोलो ना. द लैंडलॉर्ड हैव बियर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन टेनेंट्स एमिनिटीज ड्यूरिंग द ईयर 13-14. लैंडलॉर्ड कुछ खर्चे कर रहा है. लैंडलॉर्ड बियर्स द फॉलोइंग. पहला जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वाटर कनेक्शन चार्जेस 10,000. वाटर चार्जेस 20,000. लिफ्ट मेंटेनेंस 15,000. सैलरी ऑफ गार्डनर 18,000. सिक्स थाउजेंड है लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स. मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल है 12,000. The landlord claims the following deductions. Repair 30,000. लैंड रेवेन्यू पेड 6,000. एंड 10,000 कलेक्शन चार्जेस. दैट्स इट. ये आपका क्वेश्चन है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होने के बाद लगेगा कि कुछ था ही नहीं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाना चाहिए. सॉल्यूशन
क्वेश्चन को हम थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा बढ़ा देते, बस ये टॉपिक इसलिए मैंने जोड़ दिया क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद हमको ये टॉपिक पढ़ाना था, बचा हुआ था, तो अब इसी क्वेश्चन के साथ हम इसको ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है ना। अब चलें सॉल्यूशन की ओर। हंस रहे थे, सलाह दे रहे थे, सलाह देने वाली खांसी थी ये। एक्चुअल रेंट कितना था, और जाहिर सी बात है इस एक्चुअल रेंट में ये सारे खर्चे शामिल होंगे क्योंकि मकान मालिक ने ये खर्च किए हैं, अपनी जेब से नहीं देगा, वसूल करके ही देगा। तो पहले तो एक्चुअल रेंट मैंने कहा कि वो चीज़ें हटा दूँ, अभी अभी कंपोजिट रेंट में बताया अगर सेपरेबल है तो उन चीज़ों को हटा देते हैं, अगर सेपरेबल नहीं होता तो ये पूरा टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी में जाता ही नहीं, कहाँ चला जाता, पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में। अब क्लियर हुआ। अब चूंकि सेपरेबल है तो जितनी चीज़ें सेपरेबल हैं वो तो रेंट में से हटाओ और उन चीज़ों को ले जाओ या तो अदर सोर्सेज में या तो पीजीबीपी में, तो इनको हमें अदर सोर्सेज और पीजीबीपी में ले जाना है, हाँ या ना। अगर अदर सोर्सेज और पीजीबीपी में लगा ले जाओगे तो इसको इसमें शामिल क्यों किए हो, हटाओ, दो दो जगह टैक्स नहीं लगाओगे, यहाँ पर भी 4,40,000 में शामिल है टैक्स लगा दो, उधर भी टैक्स लगा दो, तो यहाँ से हटाओ। कितनी चीज़ों को हटाओगे, 10,000 से लेकर के, आँख बंद करके मत हटाना, आँख खोल करके हटाना। ये खर्चा जो है, मैंने बस इसी क्वेश्चन के लिए टाइम लिया, ये खर्चा जो है दिस इज योर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, ये तो वन टाइम, ये किराएदार के लिए लगाए हो, अरे ये किराएदार चला भी जाएगा तो भी आप यूज करोगे। वाटर कनेक्शन चार्जेस, ये हमेशा के लिए आपके घर के लिए, वो आप किराएदार से क्यों ले लोगे, तो ये आपका अपना खर्चा है, इसको तो शामिल मत करो यहां पे। बोलो बचा क्या, 20, 15, 18, 6, 12 जो वाटर चार्जेस किराएदार से वसूला, लिफ्ट मेंटेनेंस किराएदार से, सैलरी गार्डनर की किराएदार से, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल, ये सब किराएदार से कितना, 70, 71,000। चलो अब क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 3,00,000, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 440 - 71, अब समझ में आई बात, कितना, 369, अच्छा बस ना, जो अधिक हो, तो जीएवी हो जाएगा 3,69,000, माइनस कर लो म्यूनिसिपल टैक्स, कौन दे रहा है, क्या डिडक्शन मिलेगी, नहीं, यहां लिख दो पेड बाय टेनेंट। अब क्लियर हुआ, क्या आ गया ये एनएवी। माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना, 30%, बताओ, 1,10,700। इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं नहीं दिया है तो हमारे लिए आधी टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो गई। कितना आ गया बोलो भाई, 258
एक्सक्रीमेंट। ये आंसर हमारा हो जाता, सोचो अब तक हम लोग खत्म कर चुके होते, 30% की डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ना तो अब हमें रिपेयर की छूट मिलेगी, ना तो लैंड रेवेन्यू की मिलेगी, ना तो कलेक्शन चार्जेस की मिलेगी। ऑलरेडी ये 30% में हम मान लेते हैं सब चीज़ें मिल गई, खत्म। जो मैंने एडिशन दिया है जरा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्या है ये। मैंने दो सेक्शन लिखवाए थे, जरा देखिए आप अपना असाइनमेंट दे। सेक्शन 25AA एंड सेक्शन 25B है ना। जरा देखें, 25AA में हम सब कुछ बता दिए थे चार्जेबिलिटी को छोड़ करके। अगर कोई अनरियलाइज रेंट अब वसूल हो रहा है तो उस पर पूरा टैक्स लगा दो, सोचो मत, आंख बंद करके टैक्स लगा दो पूरा का पूरा, और जिस साल वसूल होगा उसी साल, बशर्ते उसकी छूट हमें पहले मिल चुकी हो। अगर पिछले सालों में जब हमने अनरियलाइज रेंट के लिए एसेसिंग ऑफिसर के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैंने कहा कि भैया हमें छूट चाहिए अनरियलाइज रेंट की, उसने कहा नहीं देंगे, उसने टैक्स लगा दिया। अब जब टैक्स लगा दिया उस साल और आज हमें वो अनरियलाइज रेंट एक्चुअल में मिल रहा है, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं, दूसरी बार क्यों लगेगा? एक ही इनकम पर दो बार क्यों टैक्स लगाओगे? जब उस समय डिडक्शन मांगे थे उस समय तो तुमने नहीं दी थी, इसका मतलब डिडक्शन नहीं दी थी तो टैक्स लग गया था अनरियलाइज रेंट पर। आज जब दोबारा मिल रहा है तो दोबारा टैक्स क्यों लगाओगे? हाँ, टैक्स ना लगा हो तो देखो हमें टैक्स लग जाएगा, यानी डिडक्शन अवेल्ड अर्लियर ईयर्स तो आज टैक्स लग जाएगा क्योंकि उस समय हमको टैक्स नहीं देना पड़ा था, या पिछले सालों में टैक्स मैंने नहीं दिया था, इसका मतलब हमें अब टैक्स देना पड़ेगा। अब क्लियर है? तो प्लस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, कितना? 60,000। पक्की बात है? बोलो पक्का? सेक्शन खत्म, सेक्शन 25AA। लेकिन एक और सेक्शन है उसके आगे, जरा देखो सेक्शन 25B, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। और साफ साफ इसमें जरा देखना, 30% की डिडक्शन दी गई है। देखो ना नीचे, ईयर ऑफ रिसीट में टैक्सेबल होगा, चार्जेबिलिटी हो जाएगी, रिसीट ऑफ ईयर विल बी चार्जेबल टू टैक्स, डिडक्शन मिलेगा अ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको। यानी एरियर ऑफ रेंट पर हमको 30% का डिडक्शन मिलता है, क्यों? क्योंकि ये तो कभी ड्यू हुआ ही नहीं था, अगर हुआ होता और उस साल टैक्स लगता तो शायद 30% का डिडक्शन वहां क्लेम किए होते हम, लेकिन जब उस साल हमको ड्यू हुआ ही नहीं। एरियर ऑफ रेंट क्या होता है? एरियर ऑफ रेंट कभी ड्यू होता ही नहीं, अचानक मिल जाता है, क्यों? क्यों? कोर्ट ने आदेश किया। मैं इससे पिछले साल 5 साल से बोल रहा था रेंट बढ़ाओ, और ये रेंट बढ़ा ही नहीं रहा था, मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट ने 5 साल बाद ऑर्डर दिया आज, अब कभी तो ड्यू हुआ ही नहीं, ना तो ये देने की सोच रहा था ना तो मुझे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक कोर्ट का ऑर्डर आ गया और अचानक मुझे 5 साल का रेंट एक साथ मिल गया। अगर ये मुझे समय समय पर मिला होता तो मुझे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला होता या नहीं? अब अचानक मिल गया तो क्या छूट नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो जब एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड होता है, कितना मिला है एरियर ऑफ रेंट? 50,000 माइनस डिडक्शन 30%, कितना? 15,000। तो 35,000 पर टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? जोड़ सकते हैं। यह है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा चैप्टर था जिसको आज हम लोगों ने टाटा और बाय बाय कर दिया। क्लियर है? बोलो भाई। कहीं कोई डाउट हो पूछ सकते हो? नहीं है? थैंक यू बच्चों।